शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मुख्तलिफ तरीके हैं जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा परवरदिगार बुलंद बरकत वाला है। हर रात को उस वक्त आसमान दुनिया पर आता है जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा रह जाता है। वो कहता है कोई मुझसे दुआ करने वाला है कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कोई मुझसे मांगने वाला है कि मैं उसे दूं, कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला है कि मैं उसको बख्श दूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की कसम मैं अल्लाह ताला से एक दिन में तौबा और इस्तगफार 70 बार से भी ज़्यादा मर्तबा मांगता हूँ। मुसलमान से गलती कोताही होती रहती है, उससे गुनाह भी हो जाते हैं, इसलिए इंसान को हर वक्त तौबा इस्तगफार करते रहना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन मर्द और मोमिन औरत की जान औलाद और माल में आजमाइशें आती रहती हैं, यहाँ तक कि जब वो मरने के बाद अल्लाह से मुलाकात करते हैं तो उन पर कोई गुनाह नहीं होता। पाबंदी से नमाज पढ़ने वालों की आंख लग जाए तो अल्लाह पाक एक फरिश्ता भेजता है, जाओ मेरे बंदे को नींद से बेदार कर दो, कहीं उसकी नमाज कज़ा ना हो जाए। अल्लाह पाक हर किसी को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।